हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च एथिक्स के बारे में। रिसर्च एथिक्स आपका एक टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड का, तो ये आपका लेसन 10 है रिसर्च एप्टीट्यूड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले एथिक्स होता क्या है ये देख लेते हैं। एथिक्स बेसिकली प्रिंसिपल्स होते हैं या गाइडलाइंस होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एथिक्स आर द प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस दैट हेल्प अस टू अपहोल्ड द थिंग्स वी वैल्यू। तो बेसिकली अगर आप एथिक्स को फॉलो करते हैं तो जो आपकी वैल्यू सिस्टम है, जो चीज़ें हैं जिनको आप वैल्यू करते हैं, उनको उन पे आप फोकस्ड रह पाएंगे, उनको आप फॉलो कर पाएंगे। तो ये गाइडलाइंस होती हैं जो कि हमें बताती हैं कि हमें ये चीज़ें हैं जिन्हें हमें फॉलो करनी चाहिए। मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स अ पर्सन्स बिहेवियर और द कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। तो बेसिकली जो एथिक्स होती हैं ये मॉरल प्रिंसिपल्स होती हैं और यही हमें बताती हैं कि कैसे एक पर्सन का बिहेवियर होना चाहिए या उसको कैसा बिहेवियर करना चाहिए एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया एथिक्स के बारे में। तो बेसिकली जो रिसर्च एथिकल गाइडलाइंस होती हैं या प्रिंसिपल्स होती हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी ऐसी रिसर्च की एथिक्स होती हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए जब भी आप एक रिसर्च को करने वाले हो या आप एक रिसर्च को कर रहे हो। तो पहला है आपका ऑनेस्टी इन रिपोर्टिंग डेटा रिजल्ट मेथड्स एंड प्रोसीजर एंड पब्लिकेशन स्टेटस। तो जब भी आप डेटा को गैदर करते हो या उन्हें रिपोर्ट करते हो, उनका रिजल्ट जो बताते हो, मेथड्स जो यूज़ करते हो एंड प्रोसीजर जो करते हो, वो सारे में आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। आपका जो भी रिजल्ट है आपको वैसा ही रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आपके डेटा एनालिसिस पे आया है वही रिजल्ट आपको रिजल्ट में दिखाना चाहिए, ना कि आपको इसको चेंज करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए या अपने वे में इंटरप्रेट करना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप डेटा को यूज़ कर रहे हो, डेटा को रिपोर्ट कर रहे हो, रिजल्ट को यूज़ कर रहे हो, मेथड्स लगा रहे हो, प्रोसीजर लगा रहे हो या एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो या जो भी आपका पब्लिकेशन स्टेटस है उसके बारे में आप ऑनेस्ट रहो। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिविटी टू अवॉइड बायस इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन पीयर रिव्यू। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी बायसनेस होता है, जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे बायस होते हैं जो कि रिसर्चर्स को परेशान करते हैं या जो बायस्ड होते हैं जिसमें रिसर्चर्स घिर जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी तरीके का कोई बायस, कोई भी आप कह सकते हैं पूर्व अनुमान ना लगाएं किसी भी चीज़ के बारे में। हमें ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें किसी भी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव नहीं होना है। हमें जैसी ही चीज़ें हों उनको वैसी ही चीज़ों को रिव्यू करनी है। अब चाहे वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को लेकर हो, डेटा एनालिसिस को लेकर हो या इंटरप्रिटेशन को लेकर हो या पीयर रिव्यू के बारे में हो, आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव रहना है, आपको अपने बायस को अवॉइड करना है। उसके अलावा थर्ड है आपका इंटेग्रिटी, एक्टिंग विद सिंसियरिटी, स्ट्राइविंग फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट एंड एक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप रिसर्च को फॉलो कर रहे हो तो आपकी इंटेग्रिटी वहाँ पे मेंटेन हो, आपकी जो ऑनेस्टी है वो वहाँ पे मेंटेन हो, आपके अंदर सिंसियरिटी होनी चाहिए। आपको जो भी एक्ट करना चाहिए वो कोई भी एक्ट आपको ऐसे ही नहीं कर देना चाहिए। आपके सारे एक्ट्स जो होने चाहिए, जो भी आप कार्य कर रहे हो, जो भी उनसे रिलेटेड आपके एक्शंस हैं, वो सिंसियर होने चाहिए। आपकी जो कंसिस्टेंसी है आपके थॉट्स और एक्शन में, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, जो आप कर रहे हो, इनमें आपस में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब दोनों ही चीज़ें एक जैसी होना, समानता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका केयरफुलनेस टू अवॉइड केयरलेस एरर्स एंड निग्लिजेंस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑल एस्पेक्ट्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप कम काम कर रहे हैं रिसर्च से रिलेटेड, जो भी स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं रिसर्च में, वो सारे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप उनका करें और उनको केयरफुली करें। जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा केयरफुली करें ताकि जो आपकी केयरलेस एरर्स हों, निग्लिजेंस हों, वो सारी चीज़ें अवॉइड हो सकें, आप एक नॉर्मल सी निग्लिजेंस वहाँ पे या एरर ना कर बैठें। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ ओपननेस इन शेयरिंग डेटा रिजल्ट्स आइडियाज़ टूल रिसोर्सेज एंड ओपननेस टू क्रिटिसिजम्स एंड न्यू आइडियाज़। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ओपन रहें, आपका जो व्यू पॉइंट हो, जो आपका एटीट्यूड हो, वो ओपन रहे। आपको अगर मान लीजिए डेटा शेयर करना है, रिजल्ट शेयर करना है, आइडियाज़ लेने हैं
या आपको टूल्स एंड रिसोर्सेज को शेयर करना है, तो उसमें आपको ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं अपने रिसर्च को किसी को नहीं शेयर करूंगा, मैं अपने रिजल्ट को किसी को नहीं बताऊंगा, तो ऐसा आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्रिटिसिज्म और न्यू आइडियाज़ के लिए भी ओपन होना चाहिए। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो और कोई पर्सन आपको बोलता है कि आपकी रिसर्च में आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ से, उस पर्सन से अनॉयड हो जाओगे, आप उससे गुस्सा हो जाओगे। आपको बेसिकली बीइंग अ रिसर्चर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एथिक्स है रिसर्च की, कि आप क्रिटिसिज्म के लिए भी ओपन रहें और न्यू आइडियाज़ को फॉलो करने के लिए भी ओपन रहें। नेक्स्ट है आपका रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सच एज पेटेंट, कॉपीराइट्स एंड अदर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, आईपी राइट्स जिनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिसर्चर हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरों के पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ये जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको प्रॉपर मतलब रिस्पेक्ट करें उनका। ऐसा नहीं है कि आप किसी की पेटेंट की हुई चीज़ को आप बिना उनसे उनकी परमिशन के या बिना उनकी फ़ी पे किए हुए आप उसको यूज़ कर लें, या उनके कॉपीराइट्स को कैसे भी आप उनको मतलब वॉयलेट करें, तो आप वॉयलेशन नहीं कर सकते हैं। बीइंग अ रिसर्चर, बीइंग अ इंडिविजुअल पर्सन, आप किसी के भी कॉपीराइट चीज़ों का वॉयलेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं उसमें स्ट्रिक्टली लिखती हूँ कि ये पीडीएफ सिर्फ आपके इंडिविजुअल यूज़ के लिए है, आप इसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप इसको कभी भी पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या है, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या है, कॉपीराइट वॉयलेशन है। और ऐसे केसेस में अगर आप बीइंग अ रिसर्चर आप कोई ऐसा काम करते हैं, तो ऐसे केसेस में बहुत बड़ा एक ये साइबर क्राइम है, बहुत बड़ा ये मतलब आप कैसे भी, आप इसको साइबर क्राइम में भी डाल सकते हैं, आप इसको नॉर्मल क्राइम भी कह सकते हैं। कॉपीराइट किसी का भी वॉयलेट करना बहुत बड़ा एक क्राइम है। तो सेवेंथ पॉइंट है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल रिकॉर्ड्स एंड प्राइवेसी इश्यूज। तो ये जो भी आप कम्युनिकेशन वहाँ पे करेंगे या जो भी आप पर्सनल रिकॉर्ड्स लेते हैं, मान लीजिए आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों से उनकी राय ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस राय को यूज़ करें, ना कि आप ये उसको इस तरह यूज़ करें कि इस पर्सन ने ये बोला है। आप वहाँ पे उस पर्सन की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डेटा गैदर कर रहे हैं तो आप किस सोर्स से डेटा गैदर कर रहे हैं वो तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसको वॉयलेट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन से आप कोई ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं जहाँ पर आप उस पर्सन के बारे में रिपोर्ट नहीं कर सकते, उस पर्सन का नाम नहीं यूज़ कर सकते, तो अगेन वहाँ पर आपको उन पर्सन का नाम नहीं यूज़ करना चाहिए। उन डेटा में कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी इश्यूज़ आपको देखने चाहिए, पर्सनल रिकॉर्ड्स को कभी भी आपको वॉयलेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन विद एन एम टू सर्व द सोसाइटी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका पब्लिकेशन हो वो इसलिए हो, आप इसलिए रिसर्च करें ताकि आप सोसाइटी की हेल्प करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ वेस्टफुल एंड डुप्लीकेटिव पब्लिकेशन ही कर रहे हैं, आप बिना मतलब कोई ऑलरेडी रिसर्च हो रखी है और आप उसको दोबारा से अपने वर्ड्स में लिख कर रिसर्च कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब कोई आपका जो पर्पज़ है वो फुलफ़िल नहीं होगा। आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो तो उसके साथ एक पर्पज़ जुड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबल मॉनिटरिंग इन टर्म्स ऑफ गाइडिंग रिसर्च स्टूडेंट, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए कि आगे चल के आप पीएचडी कर लेते हो और उसके बाद आपको ऐसा मौका मिलता है कि आपका कोई स्टूडेंट हो जिसको आप मेंटोर करें, तो इस सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो अगर मेंटोर हो तो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको भी अपने स्टूडेंट को उसी तरीके से उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसका पूरा रिसर्च में उसको गाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स ट्रांसलेट्स टू एक्सटेंडिंग फेयर ट्रीटमेंट टू द कलीग्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके कलीग्स हों, जो आपके साथ काम कर रहे हों, उनके साथ जब आप उनके साथ काम कर रहे हैं तो उनको फेयरली ट्रीट करें, उनका आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आपके पीयर्स हैं, जो अदर रिसर्चर्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हो, उनको आप फेयरली ट्रीट ना करो। नेक्स्ट है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टू सर्व द सोसाइटी एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर। तो अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर रिसर्च कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी ऐसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सोसाइटी के अदर अदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स का मतलब हो गया जो पार्टीज़ हैं जो कि आपकी सोसाइटीज़ में रहती हैं, उनके बेनिफिट के लिए आप काम करें। ऐसा नहीं है कि आप कोई रिसर्च करें तो सिर्फ रिस्क सेक्टर ऑफ द सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, जो भी आपके सेक्टर्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी हैं उनके लिए आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उनके लिए आपको इक्वली उनकी हेल्प करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है आपका
नॉन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कलीग्स ऑन और स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेस और फैक्टर्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू देयर साइंटिफिक कॉम्पिटेंसीज एंड इंटेग्रिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके दो स्टूडेंट्स हैं, एक लड़की है और एक लड़का है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, आपको उनको डिस्क्रिमिनेट करने का कोई भी राइट नहीं बनता है। आपको सबको, आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपके जो भी कलीग्स हैं, आपके जो भी रिसर्चर्स हैं, पीयर्स हैं, उनको एक साथ एक जैसे नॉन डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर आपका होना चाहिए। आप किसी भी बेसिस पे उन पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स, आप किसी भी तरीके का आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका enhancing competencies of own professional advancement and lifelong learning, taking the steps to promote competencies in science as a whole। तो ये बहुत ज़्यादा important है कि आप जो भी learning दे रहे हो, जो भी आपकी research है, वो आपकी lifelong research हो। अगर आप खुद भी research कर रहे हो तो उस research के साथ को आपको apply करना चाहिए अपनी life में भी, और आपको प्रमोट करना चाहिए उस चीज़ की कॉम्पिटेंसी। अगर है, अगर वो साइंस में है, किसी भी चीज़ में है, तो आपको उसकी कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव करना चाहिए और आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग उससे सीखनी चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंश्योरिंग लीगैलिटी ऑफ द होल प्रोसेस बाय ओबेइंग रेलिवेंट लॉज दैट इज इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सक्यूज मी, कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हो, वो जो भी रिसर्च है उसका होल प्रोसेस जो है वो लीगल हो, जो प्रॉपर लीगैलिटी है उसको आपको फॉलो करना चाहिए, और जो भी लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं या जिस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी लॉज हैं आप उनको फॉलो करो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एनिमल केयर थ्रू प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। अगर आपके रिसर्च में कोई एनिमल यूज़ हो रहा है, कोई ऐसा, मतलब आपकी साइंस रिसर्च हो, आप एनिमल पे कोई रिसर्च करें, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको भी जो भी ड्यू गाइडलाइंस है उनको थ्रू आप उनको फॉलो करो, और उनके थ्रू ही आप उन पर कोई भी तरीके की रिसर्च करो, आप उसको भी वॉयलेट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ डिफरेंट एथिक्स के बेनिफिट्स की, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एथिक्स में, वो आता है कि बेनिफिट्स क्या होते हैं एथिक्स को फॉलो करने के, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। पहला है आपका इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। जो आपकी नॉर्मल एम होती है या ऑब्जेक्टिव होती है रिसर्च की, उसको प्रमोट करने में रिसर्च एथिक्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है आपका इट प्रमोट्स द वैल्यू दैट आर इसेंशियल टू कोलैबोरेटिव वर्क एंड कोलैबोरेशन सच एज ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम एक लोगों से ज़्यादा लोग हों जो रिसर्च कर रहे हो, या आप और आपका जो मेंटोर हो, तो जब हम एथिक्स को फॉलो करते हैं तो ये कोलैबोरेटिव वर्क के लिए, कोलैबोरेशन की तरफ हमें प्रमोट करता है, हमें गाइड करता है कि हम कोलैबोरेटिव वर्क करें या कोलैबोरेशन करें, और इसकी वजह से जो ट्रस्ट होती है, जो अकाउंटेबिलिटी होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है एंड फेयरनेस होता है, वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है आपका इट होल्ड्स द रिसर्चर अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड सोसाइटी। अगेन जब आप एथिक्स को फॉलो करते हो तो एथिक्स ही आपको ये बताता है कि आप बीइंग अ रिसर्चर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो पब्लिक है, जो सोसाइटी है, आप उसके लिए भी आंसरेबल हो, आप उनके लिए भी अकाउंटेबल हो, आपको आपकी उनको भी जवाबदेही बनती है। ओके नेक्स्ट है आपका इट हेल्प्स इन बिल्डिंग पब्लिक सपोर्ट फॉर रिसर्च विच इन रिटर्न कैन हेल्प इन गेटिंग पार्टिसिपेंट्स हु टेक पार्ट इन द रिसर्च विलिंगली। तो इसके थ्रू जब आप रिसर्चर होते हो, जब आप एथिक्स को फॉलो करते हो, तो आपकी जो एक पब्लिक सपोर्ट की इमेज होती है, या जो आप पब्लिक आप बोल सकते हो रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग इंक्रीज होती है, आपकी जब रिलेशनशिप इमेज इंक्रीज होती है या पब्लिक इमेज इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी मिलते हैं, क्योंकि अपने आप से, मतलब सोसाइटी का पार्ट होता है और अपने आप से, अपने मन से आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो ये आपकी टोटल बेनिफिट्स हो गए रिसर्च के, और क्या रिसर्च होती है, क्या बेसिक एथिक्स होती हैं रिसर्च में, वो मैंने आपको बता दिया, जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इससे जो रिलेटेड नोट्स हैं आपके, ये ऑलरेडी आपका जो हमारा डिजिटल स्टोर है इंस्टा मोजो का, उसमें अपलोडेड है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।